जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में जिला उद्योग बंधु की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि उद्यमियों की समस्याओं का गुणवत्तायुक्त समयबद्ध ढंग से निस्तारण सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि शासकीय योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए ताकि उसका लाभ पात्र जनों को समय से मिल सके। उन्होंने एजेंडावार आईटी पार्क, गारमेंट पार्क, होटल मैनेजमेंट, फ्लैटेड फैक्ट्री, बिजनेस कॉरिडोर, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट प्लान की भी गहन समीक्षा किया। एक जनपद एक उत्पाद की समीक्षा के दौरान बताया गया कि इस योजना में कुल 170 आवेदन बैंकों को प्रेषित किया गया है, जिसमें बैंकों द्वारा 58 आवेदन स्वीकृत कर दिया गया और 36 आवेदन पत्रों पर मार्जिन मनी वितरित की जा चुकी है। जिलाधिकारी ने कहा कि यह शासन की महत्वपूर्ण योजना है, बैंकर्स प्रमुखता के आधार पर आवेदन पत्रों का निस्तारण सुनिश्चित करें। इसी प्रकार मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 106 लक्ष के सापेक्ष 269 आवेदन पत्र बैंकों को प्रेषित किए गए हैं, जिसमें 83 आवेदन पत्र स्वीकृत किया गया है और 49 पर मार्जिन मनी वितरित की गई है। जिलाधिकारी ने कहा कि शासकीय योजनाओं का पत्रावलियों के निस्तारण में विलम्ब अक्षम्य है, बैंकर्स वरीयता के आधार पर पत्रावलियों का निस्तारण करें। उन्होंने कहा कि गोरखपुर को रेडीमेड गारमेंट का हब बनाने के लिए लक्ष्य निर्धारित करते हुए कार्यवाही किया जाए। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारीगण तथा उद्यमी बंधु उपस्थित रहे। साथी अधिकारीगण को और सभी हमारे उद्यमी साथियों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं और खुशी लाए, यही हम लोग कामना करते हैं। किसी का कोई हम लोग अनावश्यक हस्तक्षेप निर्दर्श नहीं करेंगे, एम्प्लॉय के बीच में कोई और हस्तक्षेप नहीं करेगा, ये हम लोग व्यवस्था करेंगे। विरोधाभास से मालूम मैंने एक आदेश किया था और वही आदेश यहीं पे होना चाहिए, क्या प्रोटोकॉल ऐसे भी रहेगा उसी अनुसार करना चाहिए। ये मैं आदेश करवा दूंगा, ये आदेश बनवा दिया। उसमें क्लियर कट दिया गया है कि ऐसे केस में क्या होना चाहिए, अगर अनऑर्गेनाइज लेबर है जहाँ पे अभी इंश्योरेंस में कवर नहीं है, तो हम लोग वही आदेश करवा देंगे और उसी अनुसार उसमें आपको भी फायदा हो, वो आपका उनके बीच में डोनेशन होता है परिवार में, अनावश्यक कोई हस्तक्षेप नहीं होना। दिसंबर का फाइनल डेट था कि अब ये लास्ट एक्सटेंडेड डेट है, अब तक काम कंप्लीट हो जाएगा। टेंडर सर सब हो गए हैं, काम क्या करने चालू है? नहीं, ये पर्टिकुलर बताइए, ये गरिमा प्रोडक्ट्स इकाई नंबर 8/15 में सर हम बता भी थे सर, रात में जेसीबी से जो बाउंड्री वॉल से सटा हुआ गड्ढा किया गया, इतना कर दिया गया कि बाउंड्री वॉल के नीचे से मिट्टी उट्टी निकल गई और वहाँ रूम में लोग सो रहे थे, कुछ लोग से कुछ घटना हो जाती, मतलब डे टाइम में खोदे बचा के खोदे, कोई जान माल का खतरा ना हो। और उसके बाद ठेकेदार के आदमी जाके वहाँ पे थ्रेटन कर रहे हैं, धमका रहे हैं, दिस इज नॉट फेयर। बीडा में काम कर रहे हैं वो सर बड़ा रफ, मतलब यूज भी कर रहे हैं, और ठीक है आप काम कीजिए, सामने वाले को बता दीजिए, बिना बताए अपना खोद दिए, और कोई एक्सीडेंट बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। पानी का निकासी का भी सर व्यवस्था नहीं है, पहले सर होता क्या था कि इस तरह की गड्ढा होती थी तो पंपिंग सेट से पानी को निकाल दिया जाता था। हां, उसमें भराव कर दें और इस गड्ढे को भर दें सर, उसको नाले के लिए जरूरत नहीं है सर। ठेकेदार को भी वार्न करा दीजिए। हां, ठेकेदार को वार्न करा दीजिए, और इसमें क्या करना है मौके पे बताइए, ऑन द स्पॉट इंजीनियरिंग करिए ना, ठीक है, कल ही चले जाएंगे।